हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज हम इस वीडियो में रेंज का अंत कर देंगे और इसी वीडियो में जो भी कुछ बचा हुआ है कंडीशन उस चीज़ में बता दूंगा। मैंने जो पिछले वीडियो में जो कंडीशन बताया था कि यदि इस तरह से यदि मिलेंगे प्रश्न तो कैसे बनाना होगा, ठीक है, किस तरह से इसका रेंज फाइंड करना होगा, तो उन्हीं पर प्रश्न हम दे रहे हैं। देखिए, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, मैंने प्रश्न इधर लिख दिया है। अब एक एक करके आपको हम प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो इसको हमको रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो जो आपको दिया गया फंक्शन रहेगा, जिस चीज का रेंज हमको पता रहता है वहीं से हम रेंज निकालने के लिए शुरुआत करते हैं। तो साइनस का हमको रेंज पता है और इसलिए हम वहीं से रेंज निकालने के लिए शुरुआत करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइनस का जो रेंज चलता है वह माइनस वन से बड़ा और इक्वल होता है साइनस का रेंज, और कहाँ तक जाता है? वन तक जाता है, ठीक है ना। माइनस वन से वन के बीच में साइनस का जो होता है रेंज होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह साइनस का होता है यहाँ, लेकिन यहाँ दिया गया है टू साइनस माइनस थ्री दिया गया। तो इसके लिए क्या करना होगा? साइन एक्स में दो से गुना करना होगा। किसमें गुना करना होगा? साइन एक्स में दो से गुना करना होगा। तो दो से जैसे ही हम गुना करते हैं तो इसमें सिर्फ थोड़ा ना करना होगा, करना होगा तो सभी साइड करना होगा। क्योंकि यदि लिखते हैं हम लोग फोर एक्स बराबर चार है और हम लोगों को जरूरत पड़ता है कि हम दोनों लाना है, हमको आठ लाना है, तो दोनों तरफ ना गुना करेंगे। हमको इधर अगर आठ लाना है तो दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। तो दोनों तरफ करते हैं तो गुने दो करते हैं, चार दुनिया आठ एक्स बराबर चार दुनिया आठ, मतलब जो हो इसको हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमको इस फंक्शन प्राप्त करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमको लाना है इस बीच में, तब हम समझेंगे कि एफ ऑफ एक्स का रेंज आया है। ये तो अभी सिर्फ साइन एक्स का रेंज है ना, और हमको लाना है टू साइन एक्स माइनस थ्री को। तो उसको लाने के लिए तो यहाँ पे लाना होगा, ये सारे चीजें यहाँ लिखना होगा, तब जाकर के हमको रेंज फाइंड होगा। तब तक हम इसमें गुना या भाग कुछ भी करने की जरूरत पड़ता हो, जोड़ या घटाओ हम इसमें करेंगे, लेकिन इस रूप में हम लाएंगे इस बीच में, तभी हमारा यह वास्तव में रेंज आएगा, ठीक है। समझ रहे इस बात को? तो फिर चलते हैं यहाँ। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि दो की कमी है साइन में, तो क्या करते हैं? सभी साइड दो से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस दो से हम गुना करेंगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टू साइन एक हमने लिख दिया, हो गया दोनों तरफ गुना। अब इसमें जरूरत मेरा माइनस तीन का, किस चीज का जरूरत है? माइनस तीन का। तो माइनस तीन का जरूरत है तो घटाना पड़ेगा माइनस तीन, तो दोनों तरफ हम माइनस तीन को घटा लेंगे, टू साइन एक्स माइनस, हमने दोनों तरफ माइनस तीन को घटा लिया। अब ये फंक्शन जो है इस रूप में आ गया है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, तो तीन दो कितना हो गया? माइनस पांच हो गया, और एफ ऑफ एक्स मेरा प्राप्त हो गया। तब तक जोड़ घटा गुना भाग करना है तब तक कि हमारा दिया गया फंक्शन प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो दो में से तीन गया कितना हो गया? माइनस वन। तो अब तो पता चल ही गया कि माइनस पांच से बड़ा और इक्वल और माइनस वन से छोटा और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस पांच से होना चाहिए बड़ा, तो माइनस पांच से बड़ा और इक्वल, तो इक्वल तो हम क्या देंगे? बड़ी कोष्ठ देंगे, और कहाँ तक जाएगा? माइनस वन तक, और इक्वल भी है। तो मतलब कि इस फंक्शन का जो रेंज हुआ वह आया आपको माइनस पांच और से माइनस वन तक, माइनस पांच से माइनस वन तक आपका रेंज आया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मुझे पूर्ण विश्वास है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आप सेकेंड क्वेश्चन आप वीडियो को रोककर आप बना सकते हैं, ठीक है। आप यदि रेंज का मेरा फर्स्ट वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वैसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप क्लिक करके चल जाइएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट बनाया गया है सबका, इलेवन ट्वेल्थ नाम के लिखा होगा और उसमें आप देख सकते हैं। डोमेन का ही बनाया गया है, डोमेन से बना रहा हूँ। और आप शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक का भी है, डिफेंस एग्जाम लिखा होगा 2020 मिशन ऐसा करने, तो आप देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में सारा चीज़ व्यवस्था है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस चैप्टर जब रेंज पढ़ रहे हैं तो हमको लिख देना चाहिए कि ये रेंज हम लोग पढ़ रहे हैं। रेंज या हिंदी क्या होता है? परिसर होता है, है ना, परिसर। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा?
एफ ऑफ एक्स बराबर 10 माइनस 3 साइन एक्स दिया गया है। एफ ऑफ एक्स बराबर 10 माइनस 3 साइन एक्स दिया गया है। अब इसको रेंज फाइंड करना है, तो हम कहे थे कि इसे जिस फंक्शन का हमको रेंज मालूम रहता है मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो हमको साइन एक्स का मालूम है तो हम निकाल देते हैं माइनस 1 से साइन एक्स का जो रेंज होता है 1 तक होता है ना, 1 तक होता है और इसके इक्वल होता है। तो इसमें क्या है कि 3 की कमी है ना, गुणांक में 3 आना चाहिए, तो 3 से दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे। दोनों तरफ गुना कर दी, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस की कमी है तो हम सभी जगह माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है। तीनों स्थान पर माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना करने पर होता है ऐसा कि असमता चेंज हो जाता है। क्या होता है? इनक्वालिटी जो होता है वह चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है या बदल जाता है तो क्या कर देंगे, ये तो हो जाएगा माइनस से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। लेकिन ये संख्या क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स, और इधर भी गुना हुआ है माइनस से, इधर भी ये संख्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। माइनस 1 से हो जाएगा। अब देखिए, अब होगा ऐसा कि इसमें 10 की कमी है। किस चीज की कमी है? 10 की कमी है। तो 10 की कमी है एफ ऑफ एक्स लाने के लिए तो हम 10 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 10 फिर हो जाएगा माइनस 10 माइनस 3 साइन एक्स है ना, और 10 इसमें जोड़ दिए तो 10 माइनस 1 प्लस 10 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 3 13, और क्या हो गया, ये फंक्शन मेरा प्राप्त हो गया जो ही गिवन था, एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन प्राप्त हो गया। और ये 10 में से गया कितना बचा, 9 बचा। कहने का मतलब है कि जो इसका रेंज निकल के आया है वो कितना रेंज हो गया, वह प्राप्त हुआ रेंज 13 से छोटा इक्वल और 9 से बड़ा और इक्वल। मतलब कि 9 से लेकर के 13 तक मेरा जो है रेंज हुआ। सबसे छोटा हम लिखते हैं रेंज को दर्शाना होगा तो, और उसके बाद हम मैक्सिमम लिखते हैं। रेंज है क्या, मतलब ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम, मिनिमम है तो मैक्सिमम है, तो मिनिमम से मैक्सिमम क्या मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो 9 से 13 के बीच में इसका रेंज है इस फंक्शन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर याद है। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं कि क्या है। हमको आशा है कि आप लिख लिए होंगे और बना भी लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 साइन एक्स माइनस 4 कोस एक्स। अब हमें इसको रेंज ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा हमको, 3 साइन एक्स है और माइनस 4 कोस एक्स है। तो हमको हमने आपको कंडीशन बताया था, क्या कंडीशन बताया था कि अगर रहेगा, मान लिया जाए कि a साइन x है और प्लस माइनस b कोस x है, तो इसका जो रेंज जाता है ना वो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेकर के प्लस तक जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, तो इसको क्या करना होगा, माइनस ए स्क्वायर के जगह पर 3 ये हो गया और बी स्क्वायर के जगह पर बी यहाँ पे है 4 है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब हम लिख दे रहे हैं 3 के स्क्वायर है ना, कला पेंसिल लिख देते हैं आपको दिखाई देगा, 3 के स्क्वायर, उसके बाद देखिए 4 के स्क्वायर इसका है, इसका है ना 3 साइन एक्स। हमने यहाँ क्या बताया था, प्लस माइनस दोनों, तो माइनस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिख देंगे 4 कोस एक्स, और कहाँ तक जाएगा, प्लस में इसी चीज जाएगा है ना, इधर दिखाई दे रहा है आप इधर में यही चीज प्लस लिख दीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो अच्छा, नहीं तो बोल दे रहे हैं रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए माइनस कितना आया, 3 3 9 और 4 4 16,
थ्री साइन एक्स माइनस फोर कोस एक्स, तीन आई नौ चर्चों का हो गया माइनस सोलह नौ पच्चीस हो गया। ठीक है, ये आपको ये फंक्शन तो प्राप्त है, ऐसे हैं हमने नहीं यहाँ पुट किया था, एफ ऑफ एक्स हम पुट कर दे रहे हैं तो मेरा फंक्शन आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सोलह नौ पच्चीस, तो इसका जो वर्गमूल आएगा माइनस पाँच आएगा, और इसका जो आएगा प्लस पाँच आएगा, है ना, आएगा तो वर्गमूल पाँच ही, माइनस चिन्ह तो माइनस दे दीजिए, प्लस से तो प्लस दे दिए, तो मतलब माइनस पाँच से प्लस पाँच के बीच में इस फंक्शन का रेंज होगा। तो एट लास्ट माइनस फाइव टू प्लस फाइव इसका रेंज, तो हमें आशा है कि आप सीख गए होंगे इस रेंज को, निकालने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा, आप किसी भी किताब से बनाइएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड एक्स बाय एक्स। ठीक है, जहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो यदि यहाँ पे हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो इसका जो रेंज प्राप्त होगा मित्र, ऐसा फंक्शन यदि रहेंगे मोड के अंदर भी सेम और बटाए भी जो होता है वो भी सेम होगा। ठीक है, चाहे ऐसे ही पाया जा सकते हैं एस एक्स बाय मोड एक्स, मतलब इसका जो रूल नियम है जो कॉन्सेप्ट है वो आप सीख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स मोड बाय एफ ऑफ एक्स एकदम दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, और मतलब अथवा ए आर एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स मोड, ये नीति नियम है और इसी रूल पर आपको ये दिया गया है, और यहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है आप याद रखिए कि इसका जो रेंज होता है माइनस वन से वन होता है। क्यों होता है इसका रेंज, हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ आप जो भी पुट कीजिएगा वैल्यू आपको वन ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव यदि पुट किए तो वन ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी तो कट के आएगा, नीचे वन ही आएगा। आप चार भी रखेगा तो चार बाई चार कट के आएगा, सौ भी रखेगा तो सौ बाई सौ कट के आएगा, एक आएगा। अगर आप माइनस रखते हैं तो ये तो प्लस देगा, लेकिन ये तो माइनस देगा, तो माइनस देगा तो प्लस सौ बाई माइनस सौ तो माइनस वन आएगा, अब माइनस वन आएगा। तो इस तरह से आपको माइनस वन से वन नहीं, माइनस वन और वन सिर्फ आएगा। आपको यदि ऐसा कोष्ट दिया गया हो तो आप सही मत मानिए, इसका मतलब होता है माइनस वन भी लेना है, वन भी लेना है, और इसके बीच की भी संख्या लेना है, और यदि ऐसा भी दिया गया हो तो मत लिखना, क्योंकि माइनस वन और वन के छोड़ के बीच की संख्या इसका मतलब होता है, और इस मंजिली कोष्ट का मतलब होता है कि माइनस वन और सिर्फ वन। जब हम सेट पढ़ाएंगे तो उसमें रोस्टर फॉर्म में इसी तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म, तो इस तरह से आपने इसका रेंज याद कर लिए हैं, इसको याद रखेगा माइनस वन से वन होगा, फिक्स्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है छठा, आप देख सकते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, थ्री साइन स्क्वायर एक्स, थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस दो कोस स्क्वायर एक्स प्लस। अब ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग यह खुल जाना चाहिए कि जो बताए थे उसमें यह स्क्वायर नहीं था, जो ज्वाइंट में हो, जोड़ या घटाव में हो, विदाउट जोड़ या घटाव के हम बताए थे साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स का, या मोड साइन एक्स का या मोड कोस एक्स का हम बताए, लेकिन जोड़ या घटाव में नहीं बताए थे। हाँ, विदाउट स्क्वायर के हम बताए थे साइन एक्स का और कोशिश का भी बताए थे रेंज ज्ञात करने के लिए,
और जोड़ या घटाव में रहे तो भी ज्ञात करने के लिए बताए। तो वैसे के तो एग्जांपल हम दे दिए sin x या cos x में या फिर जोड़ या घटाव में, ठीक है। तो वैसे एग्जांपल हम दे दिए। अब ये स्क्वायर के रूप में है तो क्या होगा, हमने बताया था कि sin स्क्वायर x रहे या cos स्क्वायर x रहे, इसका जो रेंज होता है 0 से या फिर यही वाला है फंक्शन, ठीक है, यही यहाँ लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर इसका जो होता है 0 से 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स या मोड साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस टाइप का जाता है, इस टाइप का जाता है तो रेंज क्या होगा 0 से 1 तक रेंज होगा, है ना, 0 से 1 तक, इसलिए 0 से 1 तक इसका रेंज होता है। मेरा पिछला वीडियो ग्राफ वाले पढ़ लीजिएगा जो इस रेंज से संबंधित था। वैसे मैं ग्राफ से 8-10 वीडियो में बनाऊंगा, जो ग्राफ का ही होगा वो अलग हम रखेंगे उसका, ठीक है। लेकिन अभी जो कुछ जो ग्राफ बताया था रेंज से संबंधित उसको हम बता रहे हैं। जब मेरा फंक्शन क्लास खत्म हो जाएगा फंक्शन का, उसके बाद मैं बताऊंगा उस ग्राफ से जो उसमें फंक्शन किस तरह से ज्ञात करते हैं उस ग्राफ से ही बताएंगे, ठीक है, और रेंज भी बताने के लिए बताएंगे। देखिए यहाँ से तो इसको ज्ञात करना, तो इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का जानते हैं या कोस स्क्वायर एक्स का, ताहे तो आप साइन का कोस से बदल दीजिए या कोस के साइन का बदल दीजिए, ठीक है, हम साइन का बदल देते हैं कोस में। तो 3 × कितना हो जाएगा, ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ थीटा है तो थीटा रहेगा, थीटा थीटा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 3 × हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 सूत्र होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 सूत्र होता है। हमने एक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट है उसमें हमने इसको भी सिद्ध किया था कि कैसे आता है, आप देख सकते हैं जाकर, नहीं तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ सूत्र की जरूरत है। तो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस चल जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 3 × 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, -2 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस 2, इसको मत बदल दीजिएगा नहीं तो फिर वही तो बात हो जाएगा ना, इसलिए दोनों हमको कोस में चाहिए तो कोस में चाहिए या फिर दोनों साइन में चाहिए तो कोस ही में कर लेते हैं, क्या बात है, साइन आप करके बना लीजिएगा, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुना किया 3 आया, -3 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, -2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस 3 6 -3 -2 तो कितना हो गया -5 कोस स्क्वायर एक्स है। हमने क्या बताया था कि जिस फंक्शन का रेंज पता रहता है वहीं से रेंज निकालना हम स्टार्ट करते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स का हमको पता है 0 से 1 होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो मेरा आया है आया। तो 0 से 1 तक कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है, ये 5 गुना है माइनस है क्या है उसको आप त्याग दीजिए, सबसे पहले जो मेरा फंडामेंटल जो फंक्शन है जिसका हमको रेंज ज्ञात होता है उस चीज़ को लिखना रहता है, क्लियरली इस बात को आप समझ जाइए, अदरवाइज आप ऐसे लिखते हैं माइनस भी इसमें डाल देते हैं 5 अपने से तो रेंज में आपकी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो 0 से 1 तक देख सकते हैं आप देखिए ना, इसमें हमें 5 की कमी है तो 5 से दोनों तरफ गुना करना होगा, तो डायरेक्ट हम अब लिखेंगे ना कि 0 × 5 ऐसा मैं नहीं लिखूंगा या 1 × 5 या 5 × 2 मैं डायरेक्ट गुना करता हूँ, उतना तो आप जानते ही होंगे ना, तो 0 से 5 में गुना करते हैं तो 0 आएगा, 5 cos² x में 5 से गुना करेंगे तो 5 cos² x आएगा और 1 में 5 से करेंगे तो 5। अब देखिए अब इसमें क्या है, माइनस की कमी है ना, तो यहाँ माइनस से हम क्या करेंगे दोनों तरफ गुना करेंगे, तो हमने क्या कहा था कि माइनस से गुना करते हैं तो असमिका जो होता है सब बदल जाता है, ठीक है, लेस देन से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा असमिका चेंज हो जाएगा, -5 cos² x इसका भी असमिका चेंज हो जाएगा, हमने माइनस से गुना किया है ना। अब उसके बाद देख सकते हैं यार किसमें 6 की कमी है, तो क्या करते हैं 6 यदि ऐड करते हैं तो ये फंक्शन इस तरह के मेरा यहाँ भी बराबर हो जाएगा, तो 6 ऐड कर देते हैं तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, इसमें 6 जोड़ दिए तो 6 -5 cos² x
और माइनस पाँच में यदि हम छः जोड़ते हैं तो वन आता है ना, जोड़ने तो आ ही रहा होगा ना। माइनस पाँच में छः जोड़ेंगे क्योंकि छः हमको प्राप्त करना है ना, और हम छः से दोनों तरफ गुना किए हैं प्राप्त करने के लिए, तो प्राप्त करने के लिए गुना किए हैं, तो माइनस पाँच में छः जोड़ेंगे तो वन आएगा। अब इसका जो रेंज आएगा, हमने तो प्राप्त कर ही लिया इस फंक्शन को, है ना, जो दिया गया फंक्शन, इस फंक्शन को हमने प्राप्त कर लिया, तो इसका जो फाइनल रेंज उत्पन्न होगा वो तो क्या रेंज आएंगे आप देख सकते हैं। इसका जो रेंज निकल करके आएगा वह निकल करके आएगा वन से छ, क्योंकि वन छोटा है पहले छोटा लिखना चाहिए, ठीक, छ से छोटा वन से बड़ा है ना, वन से बड़ा तो छ से छोटा, तो इस तरह से वन से छ तक इसका रेंज आएगा। इसका इक्वल है तो इक्वल भी हमने लिख दिया, इक्वल के कारण क्लोज हम लेते हैं, ठीक है, तो क्लोज हमने पोस्ट दिया है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं निकाल देता हूँ। वीडियो को पॉज करने वाला कोई नहीं है, मैं सिंगल ही है वीडियो बनाता हूँ, इसकी वजह से क्या होता है ना, देर भी हो सकता है, मिटाने में भी जल लगता है, यदि रुकने वाला कोई जाता है तो रुक देता, वीडियो छोटा हो। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हो गया, चौथा पाँचवा हो गया, छठा हो गया, है ना, छठा भी क्वेश्चन हो गया, तो अब हम सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस मोड एक्स, तो हमने मोड एक्स का ग्राफ हम पिछले वीडियो में बताया था, यदि ये माइनस मोड एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो मोड एक्स का जो ग्राफ होता है मित्र ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ये तो मोड एक्स का ग्राफ होता है, लेकिन हमको पूछा है माइनस मोड एक्स का, तो माइनस मोड एक्स का जो ग्राफ होगा वह नीचे तरफ है, ठीक, इसका उल्टा हो जाता है नेगेटिव चिन्ह में, किसी का जो भी हो फंक्शन दिया गया है उस ग्राफ का उल्टा हो जाता है नेगेटिव चिन्ह में, तो क्या होता है, इसका तो रेंज होता है जीरो से अनंत तक, लेकिन इसका जो रेंज होगा जीरो से नेगेटिव तक का अनंत तक, मतलब माइनस नेगेटिव से जीरो तक इसका, इसलिए इसका जो रेंज होगा वह होगा माइनस नेगेटिव से इन्फिनाइट की तरफ, हम क्लोज हम नहीं दे सकते हैं, है ना, क्लोज हम साइड नहीं दे सकते, माइनस अनंत है इस परमिट नहीं होता, इन्फिनाइट होता है पता नहीं कितना, तो जीरो लेना है ना, मूल बिंदु पर आया है जीरो लेना है तो क्या देना हो क्लोज। तो इस तरह से इसी वीडियो के साथ रेंज का भी स्टडी ख़त्म हो रहा है, तो हमें आशा है कि इस वीडियो को बहुत इंजॉय किए होंगे, तो यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कम से कम तीन दोस्तों के पास, चार दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ये आप ही के लिए बना रहे हैं इसलिए शेयर करने का बनता है आपको, ठीक है, और यदि आप नहीं शेयर करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, वैसे मैं मदद कर रहा हूँ आप लोगों को, और आप ना करना चाहते तो नहीं कीजिए, ठीक, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं करना है तो डिसलाइक कर सकते हैं।